नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन। सिद्धार्थनगर, गाजियाबाद में हुए पत्रकार की सरेआम हत्या के मामले में आक्रोशित सिद्धार्थनगर जिले के पत्रकारों ने अपर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश का फरमान, पत्रकार की रक्षा के लिए हर कदम उठाए प्रशासन। आए दिन पत्रकारों के साथ घटना बढ़ती जा रही है। यह मांग सिद्धार्थ व प्रेस क्लब सिद्धार्थनगर पत्रकारों के तरफ से की गई है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पत्रकारों का कहना है कि प्रशासन दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा की दृष्टि से पत्रकार संगठन आंदोलन करने पर विवश हो जाएगा। सिद्धार्थनगर के पत्रकारों ने पीड़ित पत्रकार परिवार को न्याय दिलाने एवं आर्थिक सहयोग सुरक्षा सुनिश्चित कराया जाए। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। जो गाजियाबाद में पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, हत्या पत्रकार की हत्या कर दी गई, आप लोग ज्ञापन क्यों देने आए हैं? ज्ञापन इसलिए देने हैं कि पत्रकार के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न बंद हो। महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिए हैं कि जो भी पत्रकार के साथ उत्पीड़न हो रहा हो, मतलब उसका उत्पीड़न जल्द से जल्द बंद हो और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। आप लोग यहाँ एकत्रित क्यों हुए? जैसे अभी गाजियाबाद में जो है विजयनगर में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है पत्रकार के साथ। आए दिन तमाम घटना हो रही। प्रदेश सरकार का जो है कहना है कि पत्रकारों की सुरक्षा प्रशासन करे, और आए दिन जो है तमाम अगर कोई चीज समाज हित में पत्रकार अगर काम कर रहा है तो उसका इस तरीके से हत्या किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी जो है निंदनीय घटना है। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है तत्काल कार्रवाई करने के लिए जो लोग बचे हुए हैं, पुलिस भी उनको तत्काल गिरफ्तार करे और उन्हें जो है जेल में भरे। दूसरी चीज ये है कि जो है जो पीड़ित पक्ष है पत्रकार, उसको आर्थिक सहायता सुरक्षा के साथ साथ पूरे परिवार को प्रोटेक्शन दिया जाए। इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन को यहाँ से ज्ञापन माननीय महिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया है, ताकि आने वाले समय में किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी पुनरावृत्त घटना ना हो। अगर ऐसी घटना घटी तो हम लोग पूरे आंदोलन के लिए बाध्य हो जाए।